ये शिक्षा दे रहे हैं कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये नहीं करना, नहीं नहीं क्योंकि इसमें घाटा इस लाइन में तो नहीं, इस लाइन में नहीं जी, इसमें घाटा लगता है। पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, शिक्षा भी फ्री, और हेल्थ हेल्थ का जो डॉक्टर वगैरह वो भी फ्री, वो भी फ्री है। बैंक से लिया कर्जा, बैंक से लिया कर्जा, ब्याज देना पड़ता है, नहीं चलेंगे तो दाल रोटी का मसला। ये तो कच्ची सौदा है, इसमें कौन सी गारंटी है सर जो इसमें मिलना ही मिलना। ये पत्थर थोड़ी है, आज नहीं बिका तो कल बिकेगा, पैसा देखा जाएगा। ये दो दिन के बाद इसको बेचना है, अगर नहीं बेचे तो नुकसान हो जाएगी। ये पत्थर तो नहीं है, रख दें घर में, ऊपर से कहा जाता है करता एक बदनाम हो जाता है सब, इससे दाल रोटी पर असर पड़ता है। को अभी क्या सब सरकार को मालूम है जी, क्या बोले, बिजली आपको फ्री मिल रही है? बिजली पंजाब में फ्री है, बहुत लगा है, दो तीन दिन से परेशान है, इसकी कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। काम नहीं तो गाड़ी से तो नहीं पढ़ा पाएंगे। अच्छा, गाड़ी से नहीं हो जाए, जाना है बस, यही जाम की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। इधर आपको पगार मिल रही है? मेरे तो भाई मिलती है 8,000। बोलिए सर। मेरा नाम सुखदेव राज, मैं ये 5 दिन से खड़ा हूँ और माल की परेशानी है। इस वक्त कहाँ कहाँ खड़े हैं? इस टाइम मैं सुपर मंडी में खड़ा हूँ। अच्छा, सुपर मंडी में खड़े हैं, तो आए कब? मैं आया हूँ आज, मुझे 4 दिन हुए आए हुए। 4 दिन हुए, लोड शोड किया है सर? लोड सर अभी देखो क्या होता क्या नहीं होता, तो परेशानी बहुत ज्यादा है इधर, परेशानी खत्म होनी चाहिए। अच्छा, परेशानी है, 4-5 दिन से आपको गाड़ी खड़ी है, लोड अभी मिला है कि नहीं मिला है? लोड मिला, थोड़ा मिला, अभी थोड़ा देखो तो मिले चाहे नहीं मिले, कल मिले परसों मिले, देखो क्या होता है। अच्छा, अब गाड़ी निकालनी है ना यहाँ? गाड़ी तो निकलना चाहिए मगर निकलती नहीं है, निकलती नहीं है, जाम की वजह से ही हम परेशान है इधर। जाम लगा है इस वजह से आप परेशान है? कितने दिनों से यहाँ पे जाम लगा है? जाम तो 4-5 दिन से लगा हुआ, 4-5 दिन से लगा है। जाना है बस, यही जाम की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ इधर। बहुत बहुत बढ़िया धरते हैं ये अपने, वो गाड़ी वाले हैं ना जो, यही परेशान रहते हैं वो, जो बड़े इधर थे मंडी वाले वो तो अच्छे आदमी है, माड़े आदमी नहीं है वो। अच्छा, सबके लिए वो अच्छा करते हैं, लेकिन अच्छा। ये गाड़ियां वाले खुद ही परेशान करते हैं, एक दूसरे तो इधर लगा उधर लगा परेशानी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए कि गाड़ी लगाने का होना चाहिए, तरीका बताना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो अब जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी तो देखो जिसकी उसकी होनी चाहिए सर, हमें वही है ना, जब गाड़ियां वहां से आती है यहां से ये तरीके से गाड़ी नहीं लगाते हैं, अब ये जिम्मेदारी किसकी है? जो मंडी यहाँ चलाते हैं उनकी जिम्मेदारी तो है ना ये? हाँ उनकी है। तो आपने प्रेसिडेंट साहब को बोला है कि 5 दिन से यहाँ जाम लगा है कि हम परेशान है, गाड़ी हमको निकालना है, नहीं निकलती है? नहीं सर, वो तो अपने लिए तो बहुत बहुत अच्छा करते हैं, माड़ा नहीं बहुत करते, लेकिन क्या है हमारे गाड़ी वाले कभी इधर कभी उधर, ये अपने गाड़ी वाले ही थोड़ा परेशान करते हैं, बाकी ये इधर वाले मंडी वाले जो है ना आदमी अच्छे हैं, माड़े नहीं है ये, लेकिन ये हमारे जो ड्राइवर भाई है ना यही थोड़ा परेशान है बस। अच्छा, किराया मिलता है आपका? हाँ मिलता है। लोड कहाँ लिया? लोड मैंने अमृतसर से लिया। अमृतसर से लोड नहीं, मंडी से? हाँ मंडी से मैंने लोड दिया अमृतसर के लिए। अमृतसर के लिए किराया क्या क्या लगा? किराया अभी तो पता नहीं है सर, बिल्टी मिलेगी तो ही पता चलता है इतना बड़ा। किराया टाइम से मिलता है ना? हाँ किराया टाइम से। अच्छा, कोई परेशान तो नहीं? नहीं नहीं, हमारे कोई परेशान नहीं। अच्छा, रास्ते में ट्रैफिक वाले हैं? हाँ ट्रैफिक वाले वो तो परेशान करते हैं थोड़ा बहुत, हमारे तो पता ही है जो करते हैं सब। अच्छा, ट्रैफिक वाले आपको परेशान करते हैं? हाँ, वही जाम की वजह से परेशान होते हैं। अच्छा, जाम की वजह से? हाँ। कोई पैसा वगैरह लेते हैं ट्रैफिक वाले? पैसा मेरे से तो तभी उन्होंने पैसा नहीं। अच्छा, पैसा नहीं लिया बस, तो फिर किस तरह से परेशान करेंगे? परेशान यही है जब गाड़ी वाला खराब हो जाता है तो फिर उसको हटाने के लिए फिर पुलिस वाले परेशान। अच्छा, सब तो होती है। अच्छा अच्छा, तो आपकी गाड़ी फिर टाइम से मंडी नहीं पहुंचती है? हाँ, 1-2 घंटा लेट हो जाती है, फिर पार्टी वाले भी परेशान कर देते हैं, फिर हम हाथ पला जोड़ते हैं भाई हम क्या कर सकते हैं भाई, पूरी रात तो चलते चलते हो गया। अच्छा, अपने लिए तो हम पूरा जोर लगाते हैं गाड़ी खाली करने के लिए, आते जब जाम ही लग जाए फिर हम क्या करेंगे। जी जी जी, तो फिर अगर ज्यादा जाम लग गया रास्ते में, गाड़ी ज्यादा देर रुकी, तो इसका भाव भी कम वहाँ मंडी से मिलेगा माल का? हम पहले फिर फोन कर देते ना मंडी वाले, आरती है तो भाई हमारी गाड़ी लेट हो गई। हाँ, वो बोलता फिर चला आ जाओ तैयार कर रहा, फिर आना तो पड़ेगा भाई। अच्छा अच्छा, वो तो फिर मंडी वाले का नुकसान होगा ना, जब माल जब आज माल बीते था 100 रुपए में, कल बीते था 50 रुपए में, तो घाटा पड़ेगा ना। जी जी जी, यही होती है परेशानी। अच्छा, आपको उस्ताद जी गाड़ी अपनी है कि? नहीं नहीं, मैं ड्राइवर हूँ। अच्छा, आप ड्राइवर है? पगार मिल रही है? मेरे तो भाई मिलती है 8,000 रुपए।
तो और ऊपर कुछ बोनस भी नहीं है, बोनस वगैरह कोई नहीं मिलता, कुछ नहीं हो। तो वो तो बता रहे थे कि गुजारा कैसे होता है, क्या करना सर? देखो टाइम तो पास करना है, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको पढ़ना तो पड़ेगा, पेट तो पड़ेगा। 8,000 में क्या करेंगे आप? करना पड़ता है, क्या करना है सर? फिर अब काम तो करना ही पड़ेगा, वो ऊपर से बूढ़े हो गए, अब काम तो करना पड़ेगा। और कोई आमदनी है? ना ना, वो मेरी तो आमदनी नहीं है, मेरी तो बीवी भी पूरा हो गया और लड़की भी मेरी पूरी हो गई, बाप भी पूरा हो गया, मेरी माँ और एक लड़ते हैं बस। अच्छा, बस तो दोनों के लिए कमाता हूँ मैं बस। अच्छा, बच्चे भी आए गए हैं? नहीं नहीं, बच्चे अभी छोटा है मेरा, अभी मेरा लड़ता है जो नामी में पढ़ता है, नवी में पढ़ता है बस। उनको तो पैसा लगता होगा? हाँ नहीं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाता हूँ। अच्छा, सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, वहाँ तारी शिक्षा अच्छी हो रही है? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हो रही है, वहाँ कोई परेशानी नहीं? ना 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 ना। अच्छा, बच्चों पे पैसा आपको बहुत लगता है, तो 8,000 रुपए में क्या मिलेगा? खाना पीना क्या करना पर सर? टाइम पास करने पर क्या करेंगे? खाना पीना सही से नहीं मिलेगा आपको 8,000 में? कितने कितने लोग हैं फैमिली में, घर में आप? फैमिली में मेरे पहले 4 थे, अब रहते मेरे 2। अच्छा, बस अब 2 ही है? 2, एक लड़का तो मैं और मेरी माँ, 3 आदमी रह गए ना पहले, अब बीवी भी मर गया, बाप भी मर गया, भाई भी मर गया, अब 3 आदमी है? 3 आदमी। अच्छा, 3 आदमी है या माँ जी भी? हाँ माँ जी वो चल जाती है, तभी अभी किसी के घर में झाड़ू पोछा करने चले जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, माँ जी जा रही है झाड़ू पोछने दूसरों के घर, वहाँ मिलता है कुछ उसको? दे देते हैं और क्या दे। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना मिलता है वहाँ? वहाँ दे देते हैं, थरके दली दे देते हैं। पगार मिल रही है? मेरे तो भाई मिलती है 8,000। अच्छा, माँ जी को कितना मिलता है? माँ जी तो वही दे देते हैं 400-500 रुपए दे देते हैं। अच्छा अच्छा, आदमी बहुत अच्छे हैं जहाँ काम करते हैं। उसकी उम्र कितनी है माँ जी की? माँ जी उम्र होती मेरी 60-72 साल की होगी। 60-72 साल की होगी? तो 72 साल की उम्र में वो मजदूरी करती है? क्या करना सर, फिर आप तो पता है मजबूरी का नाम, परेशानी है, 8,000 में गुजारा नहीं होता। क्या करना सर? तो सरकार को आपको अपील कोई करनी चाहिए कि आपके लिए कुछ काम शाम बनाना चाहिए सरकार को? कोई गाड़ी देनी चाहिए थी या सरकार क्या दे रही है? आप तो पता तो है, ये ड्राइवर आदमी क्या दे रही है आपको पता तो है। कोई स्कीम नहीं बनाई है सरकार ने गरीब लोगों की? कोई व्यवस्था होनी चाहिए गरीब लोगों के? होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए, मगर है नहीं कोई ना। राशन मिलता है आपको टाइम से? राशन तो मिलता है। पैसा देना पड़ता है राशन का? नहीं, राशन का पैसा नहीं, तभी देना पड़ता। अच्छा, राशन का पैसा नहीं देना पड़ता है? अच्छा, और क्या फायदा मिल रहा है सरकार से? कुछ भी नहीं होता फायदा। बिजली का फीस देना पड़ता है? बिजली का तो फ्री है। फ्री है? अच्छा 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 अच्छा, बिजली हम कितनी भूखते हैं, थोड़ा ही बिजली होता है। अच्छा अच्छा, और क्या चीज फ्री मिल रही है? पानी फ्री मिलता है? पानी भी फ्री, बिजली भी फ्री, शिक्षा भी फ्री, और हेल्थ हेल्थ का जो डॉक्टर वगैरह वो भी फ्री? हाँ वो भी फ्री, वो भी फ्री है। अच्छा अच्छा, फिर 8,000 रुपए में आपको कपड़े वगैरह लाने पड़ते हैं या कुछ है? और थोड़ा बहुत राशन डालना पड़ता है? अच्छा, थोड़ा बहुत और भी राशन आना पड़ता है। अच्छा, कितना राशन मिलता है आपको सर? राशन हमारे तो मिलता है एक आदमी का 10 केजी। अच्छा, एक आदमी का 10 केजी मिलता है? वो इतना गेहूं ही मिलता है और क्या मिलना? गेहूं मिलता है एक आदमी का 10 केजी? 30 किलो मिलता है 3 आदमी। 3 आदमी तो गुजारा होता है बराबर महीने का? क्या करना पर सर, टाइम पास तो करना। तो मगर एक बात है ना, यहाँ तो 5 ही केजी मिल रहे हैं, उधर कश्मीर में 5 केजी मिल रहे हैं एक एक बंदे का, तो आपको 10 केजी मिल रहे हैं? हम पंजाब में रहने वाले है ना, पंजाब से रहने वाले है ना, पंजाब में तो आपको पता ही है, पंजाब में तो हर चीज मिलती है, गला तो वहीं से आता है, हर चीज मिलती है। तो यानी कि फिर सरकार आपकी हेल्प कर रही है? आपका पानी फ्री है, आपका बिजली फ्री है, आपका हेल्थ सेक्टर में फ्री है, आपका ये बाकी चीजें भी, बाकी व्यवस्था भी है, आपको 10 केजी ये राशन मिल रहा है एक पर हेड का, तो वो भी आपको फ्री मिल रही है। तो और क्या चाहिए सरकार से आपका? सरकार बढ़िया हमारे लिए और क्या करना, गरीब आदमी के लिए। सरकार से क्या चाहिए, आपका डिमांड क्या है सर? मेरा तो ये डिमांड नहीं, मेरा तो यही है, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बच्चे पा रहे हैं, बैठी थी। अच्छा अच्छा, और मुझे क्या चाहिए? अच्छा, अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्या बनाना चाहते हैं आप बच्चों को? मैं यही बनाना चाहता हूँ, अपने बच्चे बढ़िया काम पे लग जाए और क्या, अपना बढ़िया ये काम में मत पढ़े चाहिए बढ़िया। अच्छा, इससे ड्राइविंग काम में वो नहीं, ना नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये काम थोड़ी है। आप क्या बनाना चाहते हैं उनको? यही तो बन जाए और क्या, जो दिहाड़ीदारी करेगा मजदूर आदमी और क्या करेगा। डॉक्टर बनाएंगे आप, इंजीनियर बनाएंगे आप, अफसर बनाएंगे आप, पुलिस वाला बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इतना सर हमारे में वो नहीं होता, हम गरीब आदमी कहाँ इतना पढ़ा पाए। तो फिर आपका आपके जो दिल में है ना, क्या है बच्चों को बनाने के लिए आपको? हमारे तो यही है, तो बच्चा अपना ठेला वेला लगा ले तो बढ़िया सा रोटी बोटी बना ले, खा ले, बच्चों अपने बच्चों के लिए सोचे बस, वही काम धंधे का सोचा है बच्चों के लिए। वही सोचते हैं बच्चे, चलो बड़े होंगे, चलो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं,
तो चलो जो उतर रहे हैं वो करें अपने बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो अपने हिसाब से वो काम करें, उनको आजादी है। अच्छा, मेरा नाम अजमेर सिंह जी, पंजाब से आए, सोपर मंडी में खड़े है जी। बहुत लगा है, दो तीन दिन से परेशान है, इसकी कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आप कब आए यहाँ? 3 दिन हो गयी। 3 दिन हुए हैं आप सोपर की मंडी में है खड़े हैं? हाँ जी हाँ, आपकी गाड़ी 3 दिन से खड़ी है। हाँ जी हाँ जी। तो लोड शोड कर रहे हैं आप? लोडिंग पे लगाई है जी, गाड़ी नहीं बढ़ रही, कहीं ठिकाने पे नहीं पहुँच रही। अच्छा अच्छा, गाड़ी नहीं हिलती आगे पीछे? हाँ जी आगे पीछे, इतना जाम लगा है। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, लोड कितने लेना है? लोड तो बिहार जा रही जी। अच्छा, बिहार जा रही है गाड़ी, तो किराया क्या मिल रहा है? 130 रुपए पेटी का। 130 रुपए पेटी का किराया मिल रहा है? हाँ जी। अच्छा, किराया ठीक मिल रहा है कि कम मिल रहा है? ठीक है जी, ना तो कम ही है ना तो ज्यादा है जी। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो और क्या परेशानी है यहाँ? 2 दिन से आपकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी नहीं निकल रही है। यही दिक्कत है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, रास्ते में आपको जाना है, ट्रैफिक वाले हैं, पुलिस वाले हैं, रास्ते वो तो परेशानी चलती रहती गाड़ी वाले के साथ। अच्छा, है वो परेशानी? तो है ही जी, है थोड़ी बहुत। किसी जगह पे पैसा देना पड़ता है? नहीं नहीं, पैसा पूछा देना पड़ता है, जैसे हाइट गाड़ी है थोड़ी बहुत रोकनी पड़ती है। अच्छा, परेशानी क्या है? कोई नहीं फिलहाल तो, अभी तो जाम जुम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। अच्छा उस्ताद जी, आप गाड़ी अपनी है कि? हाँ जी अपनी है। अपनी गाड़ी है? अच्छा, फिर आपको फायदा है जब अपनी गाड़ी है, किसी की नहीं है। तो यहाँ लोग 8,000-10,000 पर काम कर रहे हैं ड्राइविंग का, तो आपको फायदा ही फायदा है फिर? कुछ नहीं जी फायदा, खुद 5-5 दिन मंडी में लगे तो क्या फायदा है? अच्छा, फायदा नहीं है? देख रहे जी, 70,000 के हफ्ता गाड़ी का, 5 दिन इधर ही खराब हो जाएंगे तो। अच्छा, तो बैंक से पैसा लेना लिया है क्या? फिर इंस्टॉलमेंट तो भरनी पड़ती है ना सर, ये महीने इंस्टॉलमेंट देना होता है? कितने महीने का देना होता है? 65,000 रुपये। अच्छा, तो गाड़ी का जो खर्चा आता है वो भी निकल आता है, घर का जो खर्चा है वो भी निकल आता है? बहुत मुश्किल जी, बहुत मुश्किल। बहुत मुश्किल हो रही है जी। तो ब्याज भी देना पड़ेगा? तो देना पड़ेगा जी। हाँ? बैंक कितना ब्याज ले रहा है? बैंक जैसे नई गाड़ी उठाई थी 7% से हो रहा था। अच्छा, फिर बहुत परेशानी है जी। परेशानी तो है। अच्छा, अब क्या चाहते हैं आप सरकार? बच्चे बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे जी, पढ़ते हैं अभी, छोटे छोटे हैं। हाँ जी। पैसा उनपे भी लगता होगा? तो लगेगा जी, लगेगा। घर में थोड़ी बहुत खेती है तो चल रहा काम। अच्छा अच्छा, खेती भी है घर में जी, वहाँ से भी आपकी मदद हो रही है? चल रहा ये काम, नहीं तो गाड़ी से तो नहीं पढ़ा पाएंगे बच्चे। अच्छा, गाड़ी से नहीं हो जाएगा? सच में? अच्छा, फिर और खेती क्यों नहीं लेते हैं आप? और खेती का काम होता है आपका? अभी लाइन ही ऐसी चुनी है जी, ना तो आगे बढ़ सकते ना तो पीछे छोड़ सकते। ये बात है। अच्छा, कितने मेंबर, फैमिली मेंबर ऐसे है घर में? 4 ही मेंबर है। 4 मेंबर है, 2 बच्चे। तो राशन वगैरह मिलता है? हमारे को कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है? क्यों? पंजाब में कहाँ जी कुछ नहीं मिलता, पंजाब में। पंजाब में नहीं मिलता है? नहीं। अभी मेरे को एक पंजाब का ड्राइवर बोल रहा था हमें 10 kg महीने का एक आदमी को मिल रहा है। प्योर जैसे हमारे पास गाड़ी है जी, जिसके पास 4-व्हीलर गाड़ी है उसको भी कुछ नहीं मिलने का। अच्छा, उसको कुछ नहीं मिलता? ये बात है। ये जैसे कोई रिटर्न भरता उसको कुछ नहीं मिलता है। ये बात है। हाँ जी, ये बात है। तो खेती वेती है अपने पास? हाँ, खेती घर का चल रहा है जी, खाने दाने राशन निकल रहा है। हाँ जी, पूरे साल का बिल्कुल घर ही से निकल रहा है। हाँ जी। तो तभी आपका गुजारा होता है? नहीं, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, है? बिल्कुल। अब क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे आपको, आप सरकार से क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके लिए? सब सरकार को मालूम है जी, क्या बोले। बिजली आपको फ्री मिल रही है? बिजली पंजाब में फ्री है। और पानी भी फ्री मिल रहा है? नहीं, पानी के बिल आ रहे हैं। पानी का बिल आ रहा है? यस यस। अच्छा, सेहत हेल्थ डॉक्टर वगैरह वो भी आपको फ्री मिल रहा है? हेल्थ सेक्टर खुले है जी गांव में। अच्छा, गांव में जैसे अभी छोटे छोटे डिस्पेंसरी खुली हुई है। हाँ, अच्छा, उसमें चल रहा है जी गाँव में। अच्छा, स्कूल भी फ्री है? नहीं, स्कूल कोई फ्री नहीं है। स्कूल फ्री नहीं है? नहीं, सरकारी फ्री है ना? हाँ जी, सरकारी। प्राइवेट फ्री नहीं है? सरकारी भी कहाँ फ्री, उसमें भी देने पड़ते हैं। उसमें भी देने पड़ते हैं? अच्छा अच्छा। तो और क्या पैगाम है आपका, बताइए। बस कुछ नहीं, बाकी नहीं, कुछ कोई परेशानी नहीं? नहीं नहीं, ठीक है। मंडी में आप ठीक तरह से? ठीक है जी, मंडी में अभी क्या सबके साथ ही देख ही रहिए आप। अब जो ये जाम है इसके लिए क्या करना चाहिए? यहाँ मंडी के जो जिम्मेदार है ना, उनको कोई सोल्यूशन बनाना चाहिए जी। जो जैसे बाहर से गाड़ियां माल लेके आती, छोटी गाड़ियां इनकी, उनको एक टाइम से खाली करें, ये लोडिंग वाली एक टाइम से लगाए गाड़ियां, तो जाम कम होगा। अब देखो आपकी गाड़ी 2 या 3 दिन से यहाँ पे खड़ी है, अभी और लगेगा। तो ये जिम्मेदारी किसकी है यहाँ मंडी में ये
डिसिप्लिन रखना, गाड़ी को सही तरीके से चलाना, आगे लेना, ये तो मंडी की जिम्मेदारी है ना। अब मंडी वाले नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कहेंगे उनको? सर अभी हम क्या कर सकते हैं, बाहर के आदमी तो क्या, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है उनको उनको बोले आप? नहीं सर, नहीं बोले। गाड़ी वाले सिंगल आदमी क्या बोले? 10 ड्राइवर एक साथ जाते हैं, उनको बोल देते कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है मंडी में, जो गाड़ियों की अफरा तफरी है ये सही कर दो, हमको रास्ता निकल ये बताने की बात है, सबको देख ही रहा है जी। ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं, कोई बाहर के तो है नहीं, अध्यक्ष भी इधर लोकल ही होंगे। फिर भी उनसे कहना चाहिए था ना? कहना तो चाहिए, बिल्कुल कहना तो चाहिए। अब क्या कहेंगे आप इस जो मंडी का यहाँ पे मुखिया है, उसको क्या कहना चाहेंगे आप इस यो जो जाम लगा है? सर उसको अभी हम क्या बोल सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट गुजारिश? रिक्वेस्ट तो है जी, इसका सलूशन करना चाहिए। मोहम्मद तस्लीम, तस्लीम जी सर। अच्छा तस्लीम साहब, अभी आप सोपोर मंडी में खड़े हैं जी सर। आए कहाँ से? बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार से आए हैं जी सर। किस सिलसिले में आए हैं? फ्रूट के सिलसिले में आए। अच्छा फ्रूट के सिलसिले में आए हैं आप, तो लेते क्या है आप? अमेरिकन डिलीशियस वैरायटी लेते हैं। अच्छा अमेरिकन लेते हैं, डिलीशियस लेते हैं, वैरायटी लेते हैं, महाराजी भी लेते हैं। हाँ वैरायटी आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ कौन सी चीज़ लोग पसंद करते हैं खाने को? खाने पीने के तो जो सस्ती चीज़ होता है वही खाने में ज़्यादा पसंद करते हैं बिहार के लोग। अच्छा तो अमेरिकन सस्ता है? अमेरिकन सस्ता भी, लॉर्ड भी है, महंगा भी, महंगाई भी है, महंगी भी है और सस्ती भी है, सब रेंज का है। और डिलीशियस भी 300 से लेकर 1200 रुपये तक बिक रही है। अच्छा सोपुर मंडी में अमेरिकन भी बिक रही है 400 से लेकर 600 रुपये, 1500 रुपये तक बिक रही है अमेरिकन। अब वैरायटी तो 200, 250, 300, 400 रुपये के बिक रही है वहाँ पे, यहाँ बिक रही है भैया। वहाँ जाने के बाद जो यहाँ ले रहे हैं उससे 10-20 रुपये कम बिक रही है। अच्छा जिस भाव से यहाँ आप माल ले रहे हैं जी, उससे 10-20 रुपये वहाँ कम बिकता है? कभी फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है। अच्छा फिर क्या कर लेते हैं आप जब आपका नुकसान होता है? अभी मेरा तो रुड़े हुए काम है, इसी से जीना मरना है, इसी काम को तो लेकर चलना ही पड़ेगा ना। अच्छा और दूसरा कोई काम तो है नहीं मेरे कब पास से यहाँ है? मैं तो बहुत 30 साल से करीब यहाँ, 30 साल से यहाँ काम कर जी सर। तो आज गाड़ी लोड की है आपने? जी सर। कब लोड हुई है? अब 3 दिन के बाद आज गाड़ी, 4 आदमी मिल के भर रहे हैं गाड़ी। एक आदमी से पूरी नहीं हो पाती है, पूरी नहीं हो पाती है। माल का फसल कम है, फसल कम है। हाँ गरोबर के भी नहीं बच रहे हैं, तो गरोबर भी तो बचनी चाहिए ना जी। तो जो माल यहाँ आप गाड़ी में भरेगा वो बिहार कब पहुँचेगा? ये 4-5 दिन में पहुँच जाती है। 4-5 दिन में पहुँच जी सर। माल सही तरह होता है ना? हाँ बिल्कुल, अभी तो सही से पहुँच रही है। रास्ते में कोई ट्रबल नहीं है? रास्ते में कोई ट्रैफिक की परेशानी, पुलिस की? एक आध दिन का मसला होता है तो वो गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है, हम लोगों को भी देखना पड़ता है, दोनों मिला के चलना पड़ता है कि एक रोज कार्रवाई उधर से रहती है, एक रोज कार्रवाई इधर से होती है, तो दोनों चीज तो जरूरी है ना। तो दोनों चीज को देखना, देखते हुए चलना पड़ेगा ना। अपना ही फायदा के लिए चलूंगा तो ये तो नहीं चलने वाली है। अच्छा वहाँ आप जो माल की बिक्री कर रहे हैं? बिक्री नहीं, खरीदते हैं हम, यहाँ खरीदते हैं जी सर। तो वहाँ बिक्री कर रहे हैं ना? जी सर। अच्छा इसमें आपका गुजारा होता है? गुजारा किसी तरह, भगवान को देखते दाल रोटी चल रही है, दाल रोटी चल रही है जी सर। आपका राशन वहाँ मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है कि पैसा देना? वो महीने में 5 KG मिलता है फ्री में। फ्री में? हाँ गवर्नमेंट दे रहे हैं। अच्छा शिक्षा, बच्चों की शिक्षा? हाँ शिक्षा तो अब तो पूर्ति नहीं होती, अब पेट चलना मुश्किल हो रहा है, तो शिक्षा कहाँ से दूं? बच्चों की शिक्षा नहीं? हाँ, शिक्षा दे बीए करवा के बैठा दिया हूँ। अच्छा अब उसके पास उसके लिए मैं सहानुभूति नहीं, तो मैं उसको आगे कहाँ से बढ़ाऊं? फ्री में है कि नहीं है? नहीं फ्री में नहीं कोई। अच्छा फ्री में नहीं जी? नहीं सर। अस्पताल? अब अस्पताल थोड़ा बहुत फ्री चल रही है, थोड़ा बहुत चल रहा है। अच्छा अस्पताल के को छोड़ के बिजली? बिजली भी फ्री व्री भी नहीं है, पैसे देने पड़ती है, महंगी है। महंगा है जी सर, बिहार में बहुत महंगा है। बहुत महंगा है जी सर। अच्छा कितना फीस लगता है आपका महीने के? 400-500 के? 400-500 लगता है? लगता है। अच्छा को तो महीने का 1200 चला जाता है? 1200 स्मार्ट मीटर वाले के 400-500 लग जाते हैं। मीटर वाले का? वाले को बहुत ज्यादा लग जाता है। स्मार्ट मीटर वाले को ज्यादा लगता है। अच्छा पानी फ्री में मिलता है?
जी नहीं, पानी पानी कोई फ्री में नहीं, उसका भी बिल आता है? नहीं कोई बिल नहीं है, पानी अभी सप्लाई नहीं है, झूठ बोलने से क्या है, अपना चापा कल है अपने। अच्छा, कोई फ्री और कॉस्ट कुछ भी नहीं है, पानी वानी नहीं। अच्छा, और बता क्या परेशानी है आपको? आप यहाँ माल उठाते हैं, पैसा आपको देना पड़ता है, माल ठीक होता है? ठीक होता है, जिस तरीके से यहाँ प्रीफ्रेंस दिए हुए हैं, हम लोग भी वहाँ खरीदार को प्रीफ्रेंस देते हैं, 10 दिन का प्रीफ्रेंस, 15 महीना दिन का, ये लोग भी महीना 15 दिन 20 दिन 1 महीना का प्रीफ्रेंस देते हैं। तो इस तरीके से धंधी चल रही है, अगर ये प्रीफ्रेंस नहीं देंगे तो हम कहाँ से प्रीफ्रेंस दे पाएंगे? मुझे भी उधार लगती है, इनको भी उधार देना पड़ता है, ये भी तो कैश नहीं मांग रहे हैं हमको, ये भी उधार देते 15 दिन 20 दिन 1 महीने का, हम भी उधार आगे को खरीदार के 1 महीना 15 दिन 2 महीने का उधार ही देता हूँ, जब गौगराई होता तो इनको भी देते हैं। अभी कितना पैसा आपके पास पड़ा है मंडी का? तकरीबन 4-5 लाख रुपया। 4-5 लाख? जी सर। तो यहाँ मंडी में अक्सर व्यापारी ये कह रहे हैं कि जिसका 50-60-70 लाख होता है बकाया मंडी का होता है, कर्जा होता है, वो भाग जाता है। अब भागने वाले के लिए तो किसी के सर में लिखा हुआ नहीं है, ये भाग जाएंगे या रहेंगे, कितने बातें हैं, कितने जाते हैं, भागने के बाद भी फिर भी आते हैं, शरण मिल जाते हैं, इसे बहुतों केस देखे हैं। तो ऐसे बदनामी तो नहीं होती है? जैसे बदनामी नहीं होती है किसी सर, 70 लाख रुपए लेके भाग गया तो फिर सभी को ऊपर आ जाता है ना, सभी ऊपर जाता करता है, एक बदनाम हो जाता है सब, इससे दाल रोटी पर असर पड़ता है। जो माल आप यहाँ से लेते हैं, आप एक नंबर लेते हैं, मोटा माल लेते हैं, तो माल पेटी में जो भर के होता है ना, सही से भरा होता है ना? बिल्कुल सही, उसमें कोई मिलावट तो नहीं होती? नहीं, थोड़ा बहुत रहता है। अच्छा, कभी कभी? अच्छा अच्छा अच्छा, मिलावट की वजह से मिलावट, एक नंबर में दो नंबर आ जाता है, सही से नहीं हो पाती, एक नंबर में दो नंबर आ जाता है। अच्छा, एक दो दाने आ जाते हो तो दाने का कोई मतलब नहीं, मसला नहीं, ज्यादा अगर आ गया तो नहीं, तब उसमें नुकसान लग जाता है, होता है कभी ऐसा? ऐसा होता है। अच्छा अच्छा, जैसे कि पहले गर्मी थी यहाँ पे, आपने लोड किया, आपका तुरंत माल पहुँचना चाहिए बिहार, अब रास्ते में आपको 5-6 दिन 8 दिन लग गए, तो गर्मी से माल सड़ जाएगा? बिल्कुल सड़ती है सर, बिल्कुल होता है, ऐसा ही हुआ था। अच्छा, कितना घाटा लगा आपका? 4-5 लाख। अच्छा, तो फिर भी काम कर रहे हैं आप? बैंक से लिया कर्जा, ब्याज देना पड़ता है? हाँ, चलेंगे तो दाल रोटी का मसला है। हाँ, गुजारा नहीं होता है, इतना काम करके गुजारा नहीं होता है? एक साल का तो आप कम से कम 1-2 करोड़ का माल लेते होंगे ना? जी नहीं। अच्छा, उतनी की कैपेसिटी में हम लोगों की नहीं है, उतना नहीं लेते? जी नहीं। फिर कितना लेते हैं? अरे सीजन का 10-15 लाख रुपया होती है, आम दिन आम आना जब होते रहता है, सीजन का 10-15 लाख माल ले लेते हैं, इससे ज्यादा 4-5 लाख में लेना चाहिए आपको? अब ये तो कच्ची सौदा है, इसमें कौन सी गारंटी है सर, जो इसमें मिलना ही मिलना, ये पत्थर थोड़ी है, जो आज नहीं बिका तो कल बिकेगा, पैसा दे के जाएगा, ये 2 दिन के बाद इसको बेचना है, अगर नहीं बेचे तो नुकसान हो जाएगी, ये पत्थर तो नहीं है, रख दें घर में। अगर इसको पक्का बनाने की कोशिश करें, ये पक्का इस पक, जैसे कि आप यहाँ 1000 रुपए की पेटी ले लेते हैं जी, 200 रुपए इसका किराया लगता है जी सर, 1200 रुपए आपको पेटी मिल गई जी, तो वहाँ 1300-1400 रुपए मिलनी चाहिए? नहीं मिलती, किसी में मिलती है किसी में नुकसान होती है। पक्का बनाना चाहिए, अगर पक्का की कच्चा सौदा तो होगा ही नहीं। अच्छा, पहला नंबर इसमें नहीं होगा जी? नहीं। अच्छा, आप बता क्या मैसेज रहेगी आपके, यहाँ मंडी में जाम लगा, आपकी गाड़ी रुकी है, निकलती नहीं है आप? नहीं, सब गाड़ी तो आज ही थोड़ा बहुत जाम लग गया। अच्छा, गाड़ी में कोई परेशानी है, निकल जाती है, निकल जाती बस, सिर्फ आज ही इतना परेशानी हुई। अच्छा अच्छा, और कोई दिन नहीं परेशानी हुई। अच्छा अच्छा, अब जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आपके, BA उसने किया है बच्चे, बच्चे ने, तो क्या काम देना चाहते हैं आप उसको? अभी तो उसका ख्वाहिश था पढ़ने का, मेरे पास उतनी औकात नहीं जो मैं उसको आगे और बढ़ाऊँ, अखने तो पेट पालना मुश्किल हो रहा है, कमाई नहीं हो रही, सही से मजदूरी नहीं मिल रही, उसको मैं पढ़ाई कहाँ करवाऊँ? आपके मन में क्या है उसको बनाने का? बनाने का मन, कोई IAS ऑफिसर, कोई पुलिस अहलिका, कोई अच्छा सरकारी जॉब, कोई अच्छा सरकारी या बिजनेस में? एक तो इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा, बन गया? जी नहीं, अभी कुछ नहीं, नहीं बना जी, छोड़ दिया पढ़ना, छोड़ दिया? नहीं, अभी तो छोड़ा नहीं है। अच्छा, अभी तो पढ़ाई करिए रहा थोड़ा बहुत, अपने कुछ अपना जुगाड़ करके अपना
आगे बढ़ रहा। अच्छा, एक इंजीनियर बनना चाहता है मगर अभी बन नहीं पा रहा। नहीं तो पैसे नहीं है आप? पैसे नहीं। अच्छा, दूसरा? दूसरा जो है बिहार पुलिस में अच्छा जाने की कोशिश को तैयारी कर रहा है। अच्छा, मगर उसका अभी एज नहीं हुआ है। एज नहीं है उसकी? तो वो पढ़े हैं? हाँ हाँ पढ़े। कितने पढ़े हैं? वो भी बीए किए हुआ। अच्छा, बीए किया उसने, अभी एज बराबर नहीं है? नहीं। आपका मन है कि उसको पुलिस में जाने का? इसको बिहार पुलिस में मन है। मन है आपका भी? मन लगा है उसको बनाना भेजना है पुलिस में? जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि आप उनको दे रहे हैं कि जो बिजनेस आप कर रहे हैं ये नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इसमें घाटा इस लाइन में तो नहीं। इस लाइन में नहीं जी, इसमें घाटा लगता है तो फिर परेशानी होती जी। तो यही मैसेज है आपकी फिर? बस बस यही मैसेज। चलो ठीक है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।